सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 100 ग्राम सफ़ेद तिल, इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए फ्लटर होने लग पड़े हैं, ये अब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब एक पैन में डालेंगे 1/4 कप पानी, पानी उबलने लग पड़ा है, अब इसमें डाल देंगे 100 ग्राम गुड़। अब इसे हल्की आंच पर पहले पिघलने देंगे। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, अब आंच को मीडियम हाई कर देंगे और इसे लगातार हिलाते रहें। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। अब इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तेल में बहुत सारे फायदे होते हैं, इसमें कई तरह के प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सब्जियों के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे 2 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, अब स्पून की हेल्प से इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्पून में अच्छे से ये गुड़ की लेयर लग गई है, रेडी है। अब इसमें डाल देंगे ये जिसको हमने गोश्त किया हुआ है तिल को, इसको डाल देंगे और इसको जल्दी से फटाफट से मिक्स कर लेंगे और ट्राई करें कि ये एक बार में ही आपके फटाफट लड्डू बन जाएं, आपको इस मिक्सचर को दोबारा गर्म ना करना पड़े। अभी हल्का सा ठंडा हो गया है, अब हाथों में थोड़ा सा पानी या घी लगा लें और थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से लड्डू बना लें। और इसी तरह से सारे लड्डू हम बना लेंगे।